आज मुझे जहनी एकदम नुआ रेसीपी नहीं आसी जहाँ कि आपण मैंने घरे बहुत सहजरे आ खूब कम समय बनकर रेडी करेंगे। ये रेसीपी को छोट बड़ पर्यटन समस्ते खावा को पसंद करेंगे आउ जहनी न खाऊ लोक भी आपण मानक मागि मागि खाइबे। नमस्कार मु लक्ष्मी रोसे विथ लक्ष्मी रे आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। रेसीपीटी स्टार्ट करने पूर्व जदि आपने मो चैनल नुआ तेज फटाफट मो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे बेल आइकन को प्रेस करके अल बटन को सिलेक्ट करनी। ये प्रथम मुझे 500 ग्राम जहनी जहाँ कि प्रथम पानी रे भल भाव धोई नवा जहनी को काटि सारापर आप बिलकुल भी धोबे ना से जहनी को प्रथम धोई ने भल भाव जाके काटे। तो ये देखो ये सेम प्रोसेस मुझे जहनी को दुई रु तीन थर धोक रेडी कर एबे कौन करा गोटे पिलर साहय जहनी चोपा गुड़ाक छड़े नवा। यही रेसीपी आपण मैंने कषि जहनी ने ही रेसीपी खावाई बहुत स्वादिष्ट लगे। तो ये देखो ये सेम प्रोसेस सब जहनी चोपा को छड़े रेडी करें करा यही जहनी दुईपट सैड को प्रथम एमती कट लगे नापर ये देखो मुझे टी बड़ बड़ सैज रखिकी जहनी की काटी नहीं। तो यही भाव में जहनी को काटि सारापर जहनी मझीरे टेमती कट लगे ना जहनी एमती कट लगे द्वारा कौन हेना आम जो मसला सब ग्रेवी में यूज करवा सब मसलाटा जहनी सहित बहुत भल भाव में मिसी पार मानने जहनी भितर को जापर जहाँफल कौन हेना जहनीटा खावाई बहुत ही स्वादिष्ट लगे। ये देखो ये सेम प्रोसेस सब जहनी की काटिकी रेडी कर जहनी को एवं गोटे बोल को ट्रांसफर करवा तालोले एवं आसतु आम जहनी गोटे मसला रेडी करवा से गोटे मिक्सर जारे अध गिना पखापाखी दे दूँ धनिया पत्र धनिया पत्र क्वांटिटी टी अधिक ने सहित ये देखते मुझे गोटे इंच अदार चोपा छड़े एकदम छोट छोट काटिकी सहित सात आठटा रसुण कोला आउे अल्प टिके नड़िया कोरा देद मानने दुई रु तीन चमच पखापाखी आपड़ नड़िया कोरा देदे सहित ये मुझे दुई चमच पखापाखी नहीं भजा बादाम आपड़ी भजा बादाम जगार कंचा बादाम भी नहीं पारे ता सहित एवं दुटा कंचा लंका देदा आई मुझे अध गिना दही दही आपण फ्रेश दही ही ने बिलकुल भी खटा दही ने ना दही दे सारापर से गिनारे अल्प टिके पानी दे कि मिक्सर जारे दे एबे यार गोटे चिकन पेस्ट बनई आसवा। तो ये देखो सब मसला को मुझे भल भाव ग्राइंड करके नहीं आसी एम काटिक रखि जहनी मसला सब कुद मसला सब दे सारापर एवं आम देद अध छोट चमच लंका गुंड आपण टेस्ट हिसाब से आज लंका गुंडर क्वांटिटी कम बेस करेंगे ता सहित अध चमच टू टे कम दे हलदी गुंड अध चमच देदे जीरा गुंड सहित अध चमच देदे लुण बा स्वाद अनुजाई लुण देद लुण दे सारापर एवं आम किसी कस्तूरी मेथी को देद कस्तूरी मेथी दबा द्वारा कौन हम ना बहुत बड़ा फ्लेवर आसो एबेद गोटे चमच पखापाखी हम सोरस तेल आपड़ी सोरस तेल ही ने कहीं सोरस तेल बास्ना आ फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसी आ सोरस तेल दबा द्वारा टेस्ट दुई गुणा बढ़ी जाए। ये सब जिनस को दे सारापर आम कौन करवा ना हाथ में या बहुत भल भाव मिक्स कर नवा। तो ये देखते या भल भाव मिक्स कर नहीं सैड्रे 10 मिनिट पर रेस्ट देदे आ चलत जाए नेक्स्ट प्रोसेस को। एपटे प्रथम मुझे गोटे कड़ई गरम कर कड़ई बहुत भल भाव गरम होगा ये मुझे दुई बड़ चमच दे दूँ रिफाइन तेल तेल टी भल भाव गरम होगा एवं आम अध छोट चमच देद गोटा जीरा जीरा टी भल भाव फुटिगला ये मुझे गोटे बड़ साइज़ रा प्याज को एकदम छोट छोट काटिक रखी थी। तो ये प्याज को ये देद गैस फ्लेम को मीडियम रे रखिक प्याज हल्का कलर चेंज हो गोल्डन होगा पर्यटन भल भाव भाजी ने देखो कि समय पर प्याज कलर चेंज हो प्याज आम लाइट गोल्डन होजी हो गला। तो ये स्टेज में कौन करा ना गोटे बड़ साइज़ रा टमाटो को एकदम छोट छोट काटिकी दे टमाटो को प्याज सांगे बहुत भल भाव मिक्स कर नवा आउ या कभर करके लो टू मीडियम फ्लेम रे टमाटो को टिके सॉफ्ट हाँपी छाड़ीदे आ टमाटर कंचा स्मेलटा कटिजी। ये देखो लो टू मीडियम फ्लेम रे टमाटो को गोटे मिनिट पर्यंत भाजला ये मुझे लिड काढ़ चेक कर देखिपे टमाटो आम आग अपेक्षा सॉफ्ट हो गला प्याजर क्वांटिटी कमी जा टमाटो आम एमती भाजी हो गला आम मैरिनेट कर रखि जहनी को ये स्टेज हिंदा जहनी को दे सारापर बाउल में जहाँ भी मसला लगे सब मसला को मध्य पोछिकी समय आड कर नवा एवं कौन करा ना सब जिनस को टी बहुत भल भाव मिक्स कर नवा मिक्स कर सारापर आम गैस फ्लेम को लो टू मीडियम रे ही रखा आ मीडियम फ्लेम कौन करा ना आपको कभर करके
पाखापाखि 3-4 मिनिट पर्यंत कुक होबा पई छाडी दबा। किंतु आपण मझेरे मझेरे ढांकुणी काढ़ी थरे निश्चिंत घांटी नेउथिबे, नहले कोन होबना तळपटटा पोड़ी जाय पारे। एटी देखंतु पाखापाखि 5 मिनिट परे मु लिड काढ़ी चेक करि नेउछि। आउ देखि पारुथिबे ग्रेभीर कलर केते सुंदर आसीछि, आउ कोटे बहुत बढ़िया बास्ना मध्ये आसुछि। एटी हमर जन्ही बहुत भल भाबरे कसी हेगलानी। कसी हेगला परे एबे आमे कोन करिबा ना, एथरे अध छोट ग्लास पाखापाखि दे देबा पानी। एथरे आपण बिल्कुल भी बेसी पानी देबे नाही, एटा टिके सुखिला हेले ही खाइबा पई भल लगी थाए। एमती रे भी जन्हीटा जेतळ कुक हबा सेतरु आहुरी पानी बाहरिबो। याकु टिके बहुत भल भाबरे मिक्स करि नबा, तापरे याकु कवर करिके मीडियम फ्लेम रे आउ 5 मिनिट पर्यंत कुक हबा पई छाडी दबा, जहा फळरे कोन हबो ना जन्हीटा हमरा बहुत भल भाबरे सिजी जिवो। एटी देखंतु जन्ही को कुक करिवार पाखापाखि 5 मिनिट हो गलानी, तो ये मुझ लिड काढ़ चेक कर देखिपे। ये आम ग्रेवी टी ड्राए हो गलानी, आ जन्ही बहुत भल भाव सीझी जाइए। बास जन्ही तरकारी आम बनिक रेडी। एबे आम गैस फ्लेम को अफ कर गरमा गरम सर्व करवा। जन्ही ए रेसीपीटा जन्ही पोस्त ठारू खाइबा बहुत ही स्वादिष्ट लगी थाए। आपको आपण मैंने रुटी परटा भात सहित खाई। ताहले आशा करुच्ची आज रेसीपीटी आपण मानक निश्चिंत पसंद आसी। पसंद आसले वीडियो को लाइक शेयर करने को बिल्कुल भी भूलं ना। ताहले आज पे रहुची, बाय। पुणी देखा हाँ आउ एक नुआ रेसीपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।